डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो टेंथ क्लास में जो सब्जेक्ट मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज हम लोग 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक के किया था पिछले क्लास में। भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो 50 पद हैं, इसका मतलब ये पता चल गया कि एन का वैल्यू दे दिया। तो आप लिखिएगा दिया है, किसका वैल्यू दिया है? तो एन का वैल्यू 50, क्योंकि 50 पद है। फिर क्या बोला कि जिसका तीसरा पद कितना है? 12। तो जब तीसरा पद 12 है तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस 2d का मान दिया है 12, क्योंकि तीसरा पद रहे, आठवां पद रहे, एक हमेशा कम करके लिखते हैं। तो यहां तीसरा पद 12 है, तो a प्लस 2d बराबर 12। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब an का वैल्यू दे दिया 106। यानी कि सबसे पहले आप ये लिखिए कि क्या क्या हमें चीजें दी हुई है। तो दिया है n का वैल्यू 50, तीसरा पद 12 था, तो तीसरा पद के लिए हम a प्लस 2d का यूज करेंगे। तो a प्लस 2d का वैल्यू दिया 12, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में बोला कि 29वां पद आपको निकालना है। अब 29वां पद निकालना है का मतलब साथियों, a प्लस 28d का मान जो है आपको निकालना है, ठीक है? क्योंकि 29वां पद कब निकलेगा? जब a प्लस 28d निकलेगा, क्योंकि 29वां पद का मतलब हुआ कि a प्लस 28d। तो सबसे पहले आप यहां से एक चीज इस्तेमाल कीजिए, क्या है वो चीज? तो n का वैल्यू दिया है, a प्लस 2d का वैल्यू दिया है, an का वैल्यू दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक ही तो इसमें सूत्र है भाई, ऊपर से देखिए सूत्र लगाइए। कौन सा सूत्र भाई? तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन के जगह पे कितना रखिएगा? 106 बराबर ए के जगह पे कितना रखिएगा? तो इस समीकरण से चलिएगा, तो ए का मान क्या होगा? तो इधर 2d प्लस में है, उधर जाएगा तो 12 माइनस 2d, देख पा रहे होंगे? हम इसी का यूज करेंगे। यानी कि चूंकि प्रथम पद तो नहीं दिया है ना, तो जब प्रथम पद नहीं दिया है तो इससे हम a का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2d। तो इस a के जगह पे 12 माइनस 2d पुट कर दिया, प्लस n का वैल्यू 50 है, तो 50 में से 1 माइनस हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे 49d। समझ में आ रहा है? जब इतना चीजें हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, मतलब 106 बराबर 12 और डी, और डी एक तरफ करेंगे तो यहां बचेगा 47d, क्योंकि डी डी वाला का एक साथ जोड़ घटाव करते हैं। इधर प्लस 12 है, इधर अगर आएगा तो 106 माइनस 12 बराबर 47d, और 106 में से अगर 12 गया तो 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 47d। इसलिए d का मान आ गया साथियों कितना? 94/47, यानी कि 2/2। तो d का वैल्यू तो 2 निकल गया। अब d का वैल्यू जब 2 निकल गया तो अब लिखिएगा, अब चूंकि a बराबर क्या इतना था? 12 माइनस 2d, एक समीकरण था ना, उससे आप अब a का मान निकाल लीजिए। तो a का मान कैसे निकालेंगे? तो 12 माइनस डी का मान कितना आया है? 2, तो 2 × 2, तो 12 − 4, तो कितना बच गया? 1। तो ए का वैल्यू अगर आपको 8 मिल गया और डी का वैल्यू 2 मिल गया, तो अब सवाल क्या बोल रहा था आपको? 29वां पद। तो 29वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं?
तो 29वां पद को साथियों a प्लस 28 डी लिख सकते हैं, और a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 8, तो यहां पुट कर दिया 8, और 28 डी तो 28 गुना डी, डी का वैल्यू 2, तो 28 गुना कितना हुआ 56, 28 गुना 56 और 56 में 8 जोड़िए 64, तो इस तरीके से आपका ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल को देखकर किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसका फॉर्मूले से इस्तेमाल करके और आप उन चीजों को निकाल लीजिए। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। सबसे पहले देखिए सवाल क्या दिया, तो आप लिखिए दिया है, क्या दिया है भाई, तो तीसरा पद बराबर कितना, तीसरा पद है 4 और नौवां पद कितना दिया है, ये नौवां पद दिया है -8। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब तीसरा पद का मान 4 है तो तीसरा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। नवा पद कितना है -8, तो नवा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर कितना -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण से चलिए तो आपको क्या निकल रहा है, तो यहां पे तो प्लस है, जब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो कट गया, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 8 में से 2 गया कितना, तो -6d, और ये 8 और 4 मिलके कितना हुआ 12, इसलिए डी का वैल्यू 12 में -6 से भाग कर देंगे, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, जब डी का वैल्यू -2 आ गया तो आप किसी समीकरण से चल दीजिए, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से, तो अब यहां पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिएगा तो क्या बन रहा है a प्लस 2d बराबर में 4। अब a का तो वैल्यू नहीं पता, तो a का ये आप छोड़ दीजिए, d का वैल्यू कितना -2, तो 2 गुना -2 बराबर में 4, तो a हो गया, और यहां पे -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो a का वैल्यू कितना होगा, तो -4 है उधर जाएगा, तो 4 प्लस 4, इसलिए a का वैल्यू निकल गया 8। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सवाल में हमको क्या अभी तक के बोला कि तीसरा पद 4 था और नवा पद -8 था, तो ये दोनों समीकरण से हम a और d का मान निकाल लिए, a और d का मान निकाल लिए। फिर सवाल क्या बोल रहा था आगे, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि बोल रहा था कि कैवा पद शून्य होगा, तो जैवा पद शून्य होगा, अब शून्य होगा कैवा पद, अब लिखेगा इतना करने के बाद फिर से लिखेगा उसके नीचे पुनः यानी कि फिर से सवाल में दिया है, क्या दिया है, तो पुनः दिया है सवाल में कि जो एन का वैल्यू है, यानी कि एन का वैल्यू क्या दिया है, तो शून्य दे दिया है, क्योंकि सवाल में ये बोला है कि कौन सा पद शून्य है, तो वो वाला तो पद पता नहीं है लेकिन शून्य बोला, तो उसको हम लोग बोलेंगे एन का वैल्यू शून्य, क्योंकि शून्य वहां जब रहता ना वहां तब हो जाता है एन का वैल्यू, लेकिन सिर्फ बोला है शून्य, उसमें वहां नहीं जोड़ा है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस नंबर के बाद, जिस संख्या के बाद अगर वहां लग जाता है, जैसे 4वां 5वां 9वां 8वां, तो
वो हो जाता है एन का वैल्यू, लेकिन यहां तो शून्य बोला तो एन का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। तो ए का वैल्यू रख दीजिए कितना आया, आठ प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आया, तो माइनस में टू, तो डी का वैल्यू रख दिया बराबर में जीरो। क्या करना है फिर, आठ का तो आठ, अब इसको से चलते चलते एन का वैल्यू निकाल देना है, तो माइनस टू को एन से करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस टू एन, माइनस माइनस प्लस टू बराबर में जीरो। यहां कितना बचेगा, माइनस टू एन, आठ और दू दस, और जब उधर जाएगा तो माइनस दस। तो इस तरीके से एन का वैल्यू निकाल लीजिए तो दस में दू से भागा कर दीजिए, पांच आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, पांच। ठीक है, यानी कि दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकाल लीजिए। फिर सवाल में दे दिया कि कौन सा पद शून्य है, तो एन का वैल्यू शून्य दे दिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से एन का वैल्यू निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसको कैसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखा लिखा जाए क्या बोल रहे हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि किसी एपी का जो 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तब बोल रहा है कि इसका सार्व अंतर निकालिए। सबसे पहले तो 17वां पद दिया है, क्या दिया है भाई, तो 17वां पद, तो 17वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 16d, और 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 9d। सवाल क्या बोला जरा अच्छा से देखिएगा कि 17वां पद जो है 10वां पद से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना, हाँ 7 ज्यादा है, 7 अधिक है। यानी कि एक तरफ 17वां पद है, अच्छा इतना तक तो दे दिया, तब हमको सार्व अंतर निकालना है, मतलब कि d का मान निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 17वां पद कितना अभी फिलहाल है, a प्लस 16d, और इधर 10वां पद कितना है, तो a प्लस 9d। अब एक तरफ 17वां है एक तरफ 10वां है, तो 10वां पद से जो ये है ये कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। यानी कि ये जो नंबर है इससे ऑलरेडी ये 7 ज्यादा है, लेकिन दोनों बराबर कब होगा, जब उल्टा साइड में 7 जोड़ेंगे। हमेशा मैथ्स में ऐसा किया जाता है कि अगर लोग जो है ना इसी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं कि सर 7 अधिक है तो किस में 7 ऐड करेंगे, तो उल्टा होता है यहां पे, या फिर 7 गुना बोलता, 7 अधिक बोलता। तो यहां पे आपको क्या लग रहा है कि 17वां पद जो है 10वां पद से 7 ज्यादा है, तो आपको क्वेश्चन से लग रहा होगा कि सर इसमें प्लस 7 ऐड करेंगे 17वां में, क्योंकि 7 ज्यादा है। लेकिन मैथ में जब भी समीकरण बनाते हैं तो दूसरे ओर 7 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि आपको जैसा लग रहा होगा यहां पे उल्टा काम किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, कौन, 17वां, तो 17वां में 7 ऐड नहीं करना है, 10वां में 7 ऐड करना है। याद रखिएगा इन चीजों को, उल्टा होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस 16d और ये सब जो है इधर आएगा, तो सब किस में आएगा, माइनस में a, और ये 9d है तो माइनस में 9d, और 7 का 7 उधर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो a प्लस में और माइनस में कट गया, 16d में से 9d गया, तो 16d में से 9d गया और उधर तो 7 है, तो यहां बन गया
सात डी बराबर सात, इसलिए स्तारव अंतर का वैल्यू कितना आ गया एक। यानी कि सवाल बोल रहा था, जरा अच्छा से देखिए, कि किसी एपी का जो है सत्रहवां पद भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सत्रहवां पद भी है और दसवां पद भी है, लेकिन सवाल ये बोला कि जो सत्रहवां पद है वो कितना, तो दसवें पद से सात अधिक है, दसवां पद से सात अधिक है। लेकिन जब कभी भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो इसमें सात ऐड करते हैं, मतलब उल्टा होता है। इन चीजों को याद रखिएगा और फिर हम लोग डी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि सार्व अंतर ही निकालना था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। एपी 3, 15, 17, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा। सबसे पहले एपी क्या क्या दिया है, तो एपी दिया है 3, 15, 27, 39, ऐसे ही आगे बढ़ रहे। अब ऐसा पद निकालना है, ऐसा पद निकालना है कि 54वां पद से वो 132 अधिक होना चाहिए। यानी कि यहां पे सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, दिया है लिख लीजिए, ए का वैल्यू हो गया 3 और डी का वैल्यू कितना है भाई, तो बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए, 15 - 3 यानी कि 12। एक और चीज बोल रहा है कि 54वां पद से 132 अधिक, ये बात पे गौर कीजिएगा कि ऐसा कौन सा मान है जो 54वां पद से 132 अधिक हो जाए, 54वां पद से 132 अधिक हो जाए। तो अधिक हो जाए का मतलब बढ़ जाए, और बढ़ेगा कब, जब जोड़ेंगे, इसलिए यहां पे जोड़ कर दिए हैं। अब 54वां पद का मतलब क्या, तो ए प्लस 53d, क्योंकि हम लोग 54वां 53वां रहता है तो एक कम करके लिखते हैं, तो 54वां पद का मतलब हुआ ए प्लस 53d, ठीक है, और प्लस कितना 132। तो आप करिएगा क्या, ए के जगह पे 3 रखिएगा, प्लस 53 गुने डी के मान रखिएगा 12 प्लस 132, यानी कि सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा, 3 प्लस ये दोनों जितना गुना करके आएगा रख दीजिएगा, और 132 इसको जो आएगा जोड़कर वो हो जाएगा अब an का मान। समझ में आ रहा है, अब an का वैल्यू ये हो जाएगा, क्योंकि 54वां पद से 132 अधिक चाहिए तो इसमें 132 ऐड कर दिया है। अब यहां पे जो आएगा उसको कौन सा मान रखना है, an का मान, और an का मान अब पता चल गया तो n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि कौन सा पद जो होगा 54वां पद से 132 अधिक होगा, तो यहां पे जो आएगा वो n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1, उसके नीचे लिख देना है अब जो है हमें क्या करना है यहां से, तो n का मान निकालना है। तो चूंकि आप ये बताइए कि हम फिर से ऊपर से मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब करिएगा क्या, पुनः समीकरण जो एक माने हैं, इसको समीकरण एक माने हैं, जो एन का वैल्यू मान लिया कि 1,00,000 आ गया, 1,000 आ गया जोड़कर, ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा जोड़ के कि रियलिटी में कितना आ रहा है। तो अगर मान लिया कि एन आ रहा है 1,000, तो समीकरण 1 से लिखिएगा एन बराबर 1,000, देखिए 1,000 नहीं आएगा, मतलब कुछ और आएगा, हम अपने से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आएगा उसको रखना है, 1,000 नहीं रखना है। अच्छा एन, अब एन का तो मान निकालना है, तो चलिए अब इसके नीचे जो है एन का फॉर्मूला रखिए, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जितना आएगा यहां पे। अब चूंकि ए का भी वैल्यू दिया है सवाल में 3, प्लस एन का तो मान निकालना है, तो एन के जगह एन वैसे ही और डी का मान 12 बराबर इतना, तो इससे चलते चलते आप n का वैल्यू निकाल लीजिएगा
और जो राइट आंसर होगा आप देख लीजिएगा कि एन का वैल्यू कितना आता है। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ समझा दिए हैं, आप इसको खुद से ही सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से सॉल्यूशन कीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको हम हिंट्स कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखिए इस बार सवाल में क्या बोल रहा है कि दो ठो एपी है, अब दोनों एपी का सार्वअंतर समान है का मतलब क्या कि अगर पहला में सार्वअंतर 5 है तो दूसरा वाला एपी में भी सार्वअंतर 5 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। जरा अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस है और इन चीजों को आप पकड़िएगा तो कोई टफ नहीं है। क्या बोल रहे हैं, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। ठीक है, यानी कि हमेशा सार्वअंतर जो रखना है वो सेम रखना है। जरा आप बात कीजिए कि प्रथम पद तो अगर मान लिया कि इसमें बारहवा में सवाल दो गो एपी का है, यानी कि एक गो एपी दिया है और दूसरा एपी दिया है। ठीक है, दो एपी दिया है और दोनों एपी जो है कहां से शुरू होता है ये पता नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि पहला एपी 5 से शुरू हो तो दूसरा एपी 12 से शुरू हो, लेकिन जो सार्व अंतर रखना है दोनों में सार्व अंतर सेम रखना है। जैसे अगर मान लिया इसमें 2 रखते हैं तो 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 2 11 13 आगे बढ़ रहा है। अब ये भी तो 2 ही का अंतर रखेगा ना, क्योंकि दोनों में सार्व अंतर क्या है, समान है। तो चूंकि ये 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18 ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को क्या बोला जा रहा है, यानी कि हमें दो एपी दिया है सवाल में लेकिन दोनों एपी में कहां से शुरू हो रहा है ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों में सार्वअंतर समान है। मैंने इसमें सार्वअंतर निकाले तो 7 में से 5 घटाइए तो 2 मिलेगा, इसमें 14 में से 12 घटाइए तो सार्वअंतर 2 मिलेगा। यानी कि ये क्लियर कट बताया गया है कि दोनों में सार्वअंतर समान है। तो जरा हम एपी पहला मानते हैं कि जनरल अगर बात करें तो जनरल होता है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही ना होता है। तो हम पहला मान रहे हैं कि ए वन से शुरू हो रहा है, तो ए वन से शुरू होगा तो अगला होगा ए वन प्लस डी। क्यों, क्योंकि ए वन से शुरू किए हैं और डी तो इसलिए होगा क्योंकि दोनों में सार्वअंतर समान है। तो अगला क्या बनेगा, ए वन प्लस टू डी, अगला बनेगा क्या तो ए वन प्लस थ्री डी, ऐसे करके हम लोगों का आगे बढ़ता रहेगा। अगर वैसे ही डियर स्टूडेंट अगर दूसरा वाला एपी को हम जरा माने तो ये ए वन से शुरू हो रहा है तो ये ए टू से शुरू, मान ली कि ये ए टू से शुरू हो रहा है, जब ये ए टू से शुरू हो रहा है तो अगला कितना होगा, अगला होगा ए टू प्लस डी, अगला होगा ए टू प्लस टू डी, ए टू प्लस थ्री डी, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहला बात, यहां भी आप कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, सार्व अंतर निकालिएगा, तो यहां पे भी डी निकल रहा है सार्वअंतर, आप चेक कर लीजिए कि सवाल में बोला है वैसा है कि नहीं। तो इसका सार्वअंतर निकालिएगा तो ए वन प्लस डी में से माइनस करेंगे ए वन, सार्वअंतर क्या बन गया डी। यहां पे भी आप चेक कर लीजिए ए टू प्लस डी में से माइनस करना है ए टू, तो बन रहा है ना सार्वअंतर डी। यानी कि सवाल ये बोल रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मेरे दो एपी है और दोनों ही एपी का सार्व अंतर समान है, ये तो हो गया क्लियर। तो हमें इस रूप में दो एपी मिलेगा,
फिर आगे क्या बोला कि उनका एक सवा सवे पद का अंतर जो है सौ है, सवा पद का जो अंतर है वो सौ है। तो फर्स्ट एपी नाम देख लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं सेकंड। तो बोल रहा है कि पहला एपी का भी जो सवा पद है, दूसरा एपी का भी जो सवा पद है, दोनों का अंतर यानी कि दोनों का घटाव, दोनों का घटाव कितना आ रहा है भाई, तो दोनों का घटाव जो है सौ आ रहा है। अंतर सवा पद का अंतर जो है सौ है, यानी कि सवाल ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फर्स्ट एपी का, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट एपी का सवा पद सवे पद माइनस सेकेंड एपी का सवे पद का अंतर सौ है। देखिए सवाल क्या बोला कि फर्स्ट वाला एपी में जो सवा पद होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं फर्स्ट एपी का सवा पद का अंतर, अंतर मतलब घटाओ किसका भाई, तो सेकेंड एपी का सवा पद, क्योंकि इसमें भी तो पद हो रहा है, दूसरा वाला एपी में भी तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे करके पदे होंगी, तो दूसरा वाला एपी का सवा पद का अंतर कितना है सौ है। जरा आप ये बात लिखिए कि फर्स्ट एपी का सवा पद कितना होगा, तो जब दूसरा पद ए वन प्लस डी है तो फर्स्ट एपी का हो जाएगा ए वन प्लस निन्यानवे डी, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ठीक है। और माइनस माइनस कितना भाई, तो सेकेंड एपी का समापद कितना, ये तो हो गया फर्स्ट एपी का समापद, सेकेंड एपी का जो समापद होगा वो ए टू प्लस निन्यानवे डी होगा, एक कम करेंगे और फिर इसका वैल्यू दिया सौ, ठीक है। आप देखिए तो यहां पे क्या बनेगा, तो ए वन प्लस निन्यानवे डी माइनस प्लस माइनस ए टू माइनस प्लस माइनस निन्यानवे डी इज इक्वल टू सौ, तो निन्यानवे डी और निन्यानवे टू प्लस और माइनस में कट गया, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ए वन माइनस ए टू का वैल्यू कितना है भाई, तो इसका वैल्यू सौ है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया सौ। अब ये तो सवाल हमें दिया हुआ था ना कि सौवे पद का, दोनों ही एपी का सवा पद का अंतर कितना है सौ है। तो अब हमें सवाल क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, सवाल ये बोल रहा है कि दोनों ही एपी का एक हजारवां पद का अंतर क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा है, यानी कि इसको हम मिटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या क्या बोल रहा है। तो अब उसके नीचे लिखिएगा आप लोग, अब फिर सवाल क्या बोला कि दोनों ही एपी का एक हजारवें पद का अंतर क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट एपी के एक हजारवां पद, एक हजारवें पद माइनस माइनस सेकेंड एपी के एक हजारवां पद, एक हजारवें पद का अंतर क्या होगा, यही सवाल बोल रहे हैं। अंतर का मतलब, अंतर का मतलब घटाव, याद रखिएगा। यानी कि सवाल क्या बोल रहा है, एक तो सवाल दिया हुआ था और दूसरा सवाल हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दोनों ही एपी का, दोनों ही एपी का, तो यहां तो हम एपी मान लिए हैं ना भाई, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, तो हम फर्स्ट एपी, क्योंकि सवाल में बोला कि दोनों एपी के एक हजारवें पद के अंतर क्या होगा, व्हाट व्हाट, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आप ए फर्स्ट एपी का एक हजारवां पद का मान कितना होगा, तो ए वन प्लस नौ सौ निन्यानवे डी होगा, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल होगा। माइनस सेकेंड एपी का एक हजारवां पद कितना होगा भाई, तो सेकेंड एपी का ए टू प्लस
999 डी होगा, होगा कि नहीं, एकदम होगा भाई। और इसका मान निकालना है व्हाट, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इससे चलेंगे क्योंकि बराबर का वैल्यू तो निकालना है कि क्या होगा, तो इससे हम लोग चलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि A1 प्लस 999 डी और यहां हो जाएगा माइनस A2 माइनस 999 डी, तो 999 डी 999 डी कट गया, तो यहां से क्या बन गया, तो यहां से बन गया A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का मान पहले ही निकाल चुके हैं, आंसर हो जाएगा 100। यानी कि दोस्तों हमें सवाल दिया था 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का भी अंतर जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सोचने समझने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। टोटल अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि अभी 8 क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, टाइम इज ओवर नाउ, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जो एक आध दो क्वेश्चन हम अधूरा छोड़े हुए हैं, प्लीज आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।